दोस्तों भारत के शानदार प्रदर्शन के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखते हैं इस वीडियो पर कितने लाइक आते हैं। दिल्ली टेस्ट में भारतीय टीम जीत की तरफ बढ़ रही है। 410 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा ने 2 और मोहम्मद शमी ने 1 विकेट निकालकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई है। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी 246 रन बनाकर घोषित की और श्रीलंका के सामने एक विशाल लक्ष्य रखा। पहला सत्र भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में लंच तक 2 विकेट खोकर 51 रन बना लिए थे। इस तरह से टीम की कुल बढ़त 214 रनों की हो गई थी। शिखर धवन 15 और चेतेश्वर पुजारा 17 रन बनाकर क्रीज पर थे। उपकप्तान अजिंक्य रहाणे एक बार फिर फ्लॉप रहे और 10 रन बनाकर आउट हो गए। एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेख पर वो लक्ष्मण सुंदरकन को कैच थमा बैठे। वहीं मुरली विजय ने आज तेज शुरुआत की। उन्होंने पहले ही ओवर में 2 चौके लगाकर अपने इरादे बता दिए, लेकिन 9 रन बनाकर वो भी सुरंगा लकमल की गेंद पर विकेटकीपर निरोशन डेक वेला को कैच थमा बैठे। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी आज 373 रनों पर समाप्त हुई। कल के स्कोर में 17 रन और जोड़कर श्रीलंका ने अपना आखिरी विकेट गंवाया। कप्तान दिनेश चांडीमल आखिरी आउट होने वाले बल्लेबाज रहे। हालांकि आउट होने से पहले उन्होंने 164 रनों की बेहतरीन पारी खेली। ये किसी भी श्रीलंकाई कप्तान द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। उन्होंने कुमार संगकारा 137 को पीछे छोड़ा। दूसरा सत्र वहीं चायकाल तक भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट खोकर 192 रन बनाए। लंच से चायकाल के बीच में भारतीय टीम ने 141 रन बनाए और 3 विकेट गंवाया। शिखर धवन अपने जन्मदिन के मौके पर 67 रनों की शानदार पारी खा लकर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा ने 66 गेंदों पर 49 रनों की तेज पारी खेली। चायकाल के समय तक कप्तान विराट कोहली 25 और रोहित शर्मा 28 रन बनाकर क्रीज पर थे। तीसरा सत्र चायकाल के बाद तीसरे सत्र में भारतीय टीम ने 54 रन और बनाकर 264/5 रनों पर अपनी दूसरी पारी घोषित कर दी। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा ने चायकाल के बाद अपना अर्धशतक पूरा किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने 50 रन बनाए। जीत के लिए 410 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम को सदीरा समराविक्रमा के रूप में पहला झटका लगा। उन्हें मोहम्मद शमी ने अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच कराया। इसके बाद 31 रनों के स्कोर पर रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट निकालकर श्रीलंका के लिए मुश्किलें ज्यादा कर दी। श्रीलंका को अभी जीत के लिए 379 रन बनाने हैं और उसके 7 विकेट शेष हैं। धनंजय डी सिल्वा 13 और एंजेलो मैथ्यूज बिना खाता खोले क्रीज पर हैं।